हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बायोकेम क्लासेस। माय नेम इज घनश्याम गुप्ता। इसके पहले जो हमने देखा था उसमें हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ डीएनए क्या है। अब जो हम शुरुआत करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम एक ही समझने की कोशिश ये करेंगे कि भाई कौन सा ऐसा यूनिट है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो डीएनए को बना रहा है। तो हमें ये पता है कि लार्ज नंबर ऑफ मतलब कि बहुत सारे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपस में मिलते जा रहे हैं इस तरह से, और कईयों हजार मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं और उसी से मिलने के बाद एक संरचना बन रही है जिससे हम कह रहे हैं डीएनए। लेकिन अब कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके मिलने से डीएनए बन रहा है, तो यस उसी का नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। आप जान रहे हैं, जब भी आप चाहोगे कि अगर आप चाहते हो कि सर मैं डीएनए को बनाना चाहता हूं, तो आप एक ही काम करिए कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइनिंग करते चले जाइए। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि सर व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड। दोस्त, न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग, न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड। मतलब कि एक तो आप H3PO4 को जोड़ दो और संग संग में आप जोड़ दो न्यूक्लियोसाइड को। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड भी दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है हमारा पेंटोस शुगर, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। जो पेंटोस शुगर होता है, हमने कहा जो पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर जब दो मॉलिक्यूल मिलकर के, पेंटोस शुगर जो होंगे पांच कार्बन के होंगे, आप जानते हैं पांच कार्बन कंपाउंड जो होंगे पेंटोस शुगर कार्बोहाइड्रेट का, उसके मिलने से पेंटोस शुगर बनता है। पेंटोस शुगर के दो टाइप होते हैं, एक होता है राइबोस शुगर और एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो आप देखिए यहां पर एक है आपका राइबोस और एक है आपका डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, इसके बारे में हम समझाएंगे आपको, लेकिन अभी देखिए कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस के भी दो टाइप हुआ करते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है आपका पाइरिमिडीन। दैट इज द दिस इज प्यूरीन एंड दिस इज द पाइरिमिडीन। प्यूरीन क्या है? प्यूरीन जो होता है, इसके दो टाइप होते हैं। हम अभी आपको इस प्यूरीन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, देन पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। लेकिन अभी ये समझिए, जो आपका प्यूरीन है इसके दो टाइप हैं, एक है आपका एडिनिन, एक है आपका ग्वानिन। जो आपका पाइरिमिडीन है इसके तीन टाइप हुआ करते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। दोस्त, आप एक बात जान लो कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में जो एटॉमिक बेस होंगे वो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होंगे। मतलब कि ए टी जी सी, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन जो आपका आरएनए होगा, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल होता है, तो एडिनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। अब देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, तो आप एक ही काम करिए, H3PO4 और न्यूक्लियोसाइड को आपस में कंबाइन कर दीजिए। मतलब यहां पर अगर हम बात करना चाहते हैं कि भाई यहां पर आप H3PO4 लीजिए और प्लस न्यूक्लियोसाइड लीजिए, इन दोनों को यदि आप मिला रहे हो, तो दोस्त बन क्या रहा है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। देखिए, अगर आप चाहते हो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, तो न्यूक्लियोटाइड में H3PO4 जोड़ दो और न्यूक्लियोसाइड जोड़ दो। लेकिन अगर आप चाहते हो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, तो इस न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर और प्लस नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ दो। मैं यहाँ पे पेंटोस शुगर को शॉर्टकट में PS लिखा हूं, और नाइट्रोजनस बेस को शॉर्टकट में नाइट्रोजनस बेस MB लिखा हूं, ठीक है।
तो न्यूक्लियोटाइड यदि आप चाहते हो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस ऐड कर दो। जैसे ही पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से ऐड होगा तो बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट जोड़ देंगे तो बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते जाते हैं और आपस में कॉम्बिनेशन से कईयों हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता क्या है, ए लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए। ठीक है, आप समझते हैं कि आखिर किस तरीके से एक डीएनए किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्डिंग करता है। उसको समझने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भाई इन सब का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि भाई फॉस्फोरिक एसिड कैसे दिखता है, राइबोस शुगर कैसे दिखता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे दिखता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे दिखता है। देन इन सब का इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो हम देखेंगे कि इन सब का स्ट्रक्चर कैसे